to the city streets, we began to feel the fire. Yeah, yeah, because we don't have any tickets. So spending my time with वेट करा रहे, सॉरी 10 मिनट चाहिए तो डू कॉन्टैक्ट. बहुत ही खूबसूरत टेम्पल है. हेलो यू ऑल, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल मी एंड ही ब्लॉग्स. तो अगेन आप देख रहे होंगे हम ब्लॉग लेके आ गए हैं, एंड विच इज़ वेरी एक्साइटिंग ब्लॉग. इस ईयर का हमारा सबसे फर्स्ट रोड ट्रिप है एंड बहुत एक्साइटिंग होने वाला है. बहुत समय से हम सोच रहे थे कि हमें जाना है. मे बी आपको थंबनेल देख के समझ आ ही गया होगा. तो बस हम अभी 6 बज रहे हैं, निकल रहे हैं, एंड उसके बाद से सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे. हमारा स्टे कहाँ है, हम कहाँ जा रहे हैं और कहाँ पे ब्रेक लेंगे, अगर हम ब्रेकफास्ट के लिए कोई ब्रेक लेते हैं, वो भी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे. सो जस्ट स्टे ट्यून विथ अस, एंड अगर चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर एंड जस्ट स्टे ट्यून. तो गाइस अभी हम लोग मॉर्निंग के सुबह लाइक नो अभी 6:30 हो रहा है. सो 6 बजे हम लोग निकले, नो ट्रैफिक एट ऑल इस रूट में. आई मीन मोस्टली ट्रैफिक नहीं रहता है सुबह सुबह, लाइक नो इफ यू गो टुवर्ड्स नीलमंगला एंड ऑल, सुबह सुबह भी ट्रैफिक रहता है. सो अभी हम लोग हैं होसकोटे में. सो फाइनली वी आर गोइंग टू तिरुपति दर्शन के लिए. सो यहाँ से जो बैंगलोर से जो उसका डिस्टेंस है, डेट इज़ अराउंड 250 किलोमीटर्स. सो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 7-8 किलोमीटर्स. ओके, सो वी स्टार्टेड फ्रॉम व्हाइट फील्ड, अभी होसकोटे पहुँचने वाले हैं. सो द रूट डेट विल बी टेकिंग लाइक नो इट्स द सेम रूट, लाइक नो यू हैव टू गो वाया कोलार एंड देन उसके बाद से तिरुपति हाईवे, बैंगलोर तिरुपति हाईवे ले लेना है, एंड देन स्ट्रेट यू कैन रीच टू तिरुपति. सो बट लाइक हमें और भी कुछ कुछ जगह बीच रास्ते में भी एक टेम्पल है वहाँ पर जाना है. ओके, सो डैट इज़ गणेशा टेम्पल, एंड देन हमारा एक फ्रेंड भी है, सो ही विल भी ऑल्सो ज्वाइनिंग अस. सो उसके लिए भी वेट करना है. सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स. सो बहुत सारे चीज़ करते करते एंड देन तिरुपति पहुँचना है. सो विल शो यू लाइक नो ऑल द रूट डिटेल्स बेसिकली, और फिर वट आर द प्लेसेज टू विजिट वेन एवर यू आर गोइंग टू तिरुपति. सो डेफिनेटली लाइक नो तिरुमाला इज़ वन थिंग, अपार्ट फ्रॉम डैट ऑल्सो वहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे टेम्पल्स हैं जो हम लाइक नो वी आर गोइंग टू शो यू. सो वो सारे चीज़ें हम कवर करेंगे बिकॉज हमारा जो स्टे है डेट इज़ फॉर 2 नाइट्स. एंड बाई द वे द मेन थिंग इज़ लाइक नो गाइज वी डू नॉट हैव द टिकट्स. सो अगर आई मीन वी हैव बीन प्लानिंग दिस ट्रिप सिंस अ ईयर, बट सिंस कि हमें टिकट नहीं मिल रहा था सो वी आर नॉट एबल टू डू इट. सो फाइनली वी थॉट ऑफ बिना टिकट ही चलते हैं, वहीं पे चल के टिकट का सब देखेंगे. सो दिस इज अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द यू नो दिस थिंग. सो अभी कंटिन्यू करते हैं. सो गाइस ये है हमारा टोल 1 एंड होसकोटे हाईवे. तो ये टोल है एंड बस यहाँ से हमें अराउंड 4 to 4.5 किलोमीटर जाना है, एंड जो हमारा फ्रेंड है उससे हम मिलेंगे एंड फिर वहाँ से अपनी जर्नी साथ में स्टार्ट करेंगे. तो बस चलते हैं. सो गाइज हमने अभी एक लिया छोटा सा ब्रेक, विच इज़ चाय का ब्रेक. तो चाय हमने घर से पी के नहीं निकले थे, तो बस एक शॉप है यहाँ पे एंड देखते हैं अंदर चल के चाय वाय मिलता है कि नहीं. सो लेट्स सी. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world? So guys, place बहुत सही था. So we thought of कि इतने सुबह निकल गए एंड मेरे को बहुत भूख लग गई थी. So we thought of कि हल्का सा कुछ ब्रेकफास्ट करके चाय पी के एंड फिर उसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं. तो बस मैंने अभी एक प्लेट तो इडली वड़ा मेरे और धीरज के लिए एक एक प्लेट ऑर्डर कर दिया. तो बस एक बार आ जाते हैं एंड करके फिर हम निकलते हैं. बहुत ठंड है अभी, सुबह सुबह हमने सोचा नहीं था इतनी ठंड होगी, बाहर बहुत ठंड है. तो बस थोड़ा चाय वाय पी के एंड फिर निकलते हैं. एंड यहाँ पे धीरज इज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड एंड वो अभी तक नहीं आया है, तो बस हम उसका भी वेट कर रहे हैं साथ साथ. तो एक बार वो आ जाता है फिर हम चलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए. एंड गाइज वन मोर थिंग, हम जा रहे हैं तिरुपति एंड आपको सोच के आपको हंसी आएगी बिकॉज वी डोंट हैव एनी टिकट्स. तो रिसेंटली क्या हुआ था, हमारे एक रिलेटिव्स हैं वो कुछ दिन पहले गए थे एंड उन्होंने जाके बहुत अच्छे से पूजा वूजा करके भी आए वहाँ पे. कॉन्टैक्ट तो हमने उनसे थोड़ी सी की बातचीत एंड आइडियाज़ लिए एंड हमने भी सोचा कि मेरे को लगा मिला
तो हमने भी सोचा कि भाई बहुत दिन से हम वेट कर रहे थे, इट हैज बीन यू नो 1.5 ईयर से हमारा ऐसे प्लान बन रहा है, बट कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से हमारा प्लान बनता है फिर कैंसिल हो जाता है, प्लान बनता है फिर कैंसिल हो जाता है। तो इस टाइम हमने सोचा कुछ भी हो जाए हम जाएंगे, और हमारे जो भैया है उनसे हमने बात किया, बातचीत करके उनसे पूरी आइडियाज़ लगाई कि कैसे जाके वहाँ पे कैसे आप टिकट ले सकते हो एंड ईजिली सब कुछ हो जाएगा। तो बस उसी होप से हम जा रहे हैं एंड हम आपको ही बताएंगे कि अगर आपके पास टिकट नहीं है तो आप कैसे वहाँ पे जाके एंड पूजा वूजा कर सकते हो, घूम सकते हो। तो बस चलते हैं एंड सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। सो आप बस हमारे साथ चैनल पे बने रहो एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। एंड ये जो है हमारा फ्रेंड अमित जी आ चुके हैं, इनके आगमन में हम पिछले 15 मिनट से वेट कर रहे हैं। तो बस ये आ चुके हैं, तो बस अब चलते हैं ब्रेकफास्ट करके एंड उसके बाद हम निकलते हैं फिर। तो ये है हमारे दोस्त जो हमको पिछले आधे घंटे से वेट करा रहे, सॉरी 10 मिनट से। से हाय हाय। तो इनसे आप पहले हमारे ब्लॉग में मिले होंगे। तो बस नोमैड गियर्स एंड इनकी न्यू बाइक है। तो भाई ने जो बाइक खरीदा है लाइक मोस्टली फॉर लॉन्ग ट्रिप्स, तो मैंने लास्ट वीडियो में अपने चैनल पे दिखाया था बाइक परचेजिंग का वो। नाउ इफ यू सी नो ये सब भाई ने बाहर से लगवाया है एकदम एक नंबर। सो दिस कॉस्टेड अराउंड 40,000 बाई द वे दिस वन। और ये सारी चीजें लगा के एकदम ट्रिप के लिए भाई जो है बहुत अमीर है, तो अगर कुछ भी हेल्प चाहिए तो डू कॉन्टेक्ट। 30,000 का ओवरऑल कॉस्ट आ गया ना, मतलब खतरनाक लग भी रहा है। ओ माय गॉड। और LS2 का हेलमेट ले लिया है एकदम। सो मतलब लाइक अभी ये जो ट्रिप है ना उसके लिए मतलब छोटे मोटे ट्रिप है, इस प्लानिंग की अभी थोड़ा सा ना मतलब लॉन्गेस्ट ट्रिप करेंगे करते हैं एंड देन बाद में लद्दाख लेके जाने का प्लान है उसका इस व्हीकल को। तो बस अगर कुछ भी चाहिए तो डू कॉन्टेक्ट हिम एंड चलते हैं फिर हम ब्रेकफास्ट करते हैं एंड फिर आपसे अपनी जर्नी को यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। सो गाइज ये जो प्लेस है आप यहाँ पे देख सकते हो, गाय माता हमारी सुबह सुबह एंड ये लोग इसको इनको यहाँ पे रखते हैं एंड देख लो कितने अच्छे से खाना वाना भी खिला रहा है। सो दिस इज़ वेरी नाइस, अच्छा लगा। एंड धीरज ब्लॉगिंग करते हुए एंड अमित फोटो लेते हुए सब अपने में लगे हुए हैं। सारी चीज़ें जो है फ्रेश सुबह सुबह बन चुकी है एंड वी आर द फर्स्ट कस्टमर। तो बस हमारा ब्रेकफास्ट आ जाए जल्दी से एंड ले लें हम। हाउ इज द फूड? नॉट टेस्टी, सांभर बहुत अच्छा है एंड वी आर द फर्स्ट कस्टमर। जो भी है हमें बहुत ही फ्रेश मिला है, अच्छा मिला है, मज़ा आ गया। सो गाइज ब्रेकफास्ट इज डन, तो बस हम यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं एंड सुबह सुबह इतना अच्छा हॉट हॉट सांभर एंड इडली हमने खाया, मज़ा आ गया। सो दिस इज़ द प्लेस आनंद भवन, सॉरी विष्णु भवन। तो जब भी आप इस रोड में जाते हो तो हाईवे पे ही आपको मिल जाएगा। तो बस एक बार सब लोग आ जाते हैं एंड फिर अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं एंड फिर देखते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट ब्रेक कहाँ लेते हैं। सो चलिए हमने लिया अभी एक छोटा सा टी ब्रेक, क्योंकि जहाँ पे हम ब्रेकफास्ट किए थे वहाँ पे हम चाय नहीं पी पाए थे। तो अभी एक हाईवे के पास छोटा सा स्टॉल है, वहाँ पे हम चाय पियेंगे ढाबे की एंड उसके बाद हमें कवर करना है 160 किलोमीटर एंड गूगल इज शोइंग 2.5 आवर्स में पहुँच जाएंगे। तो बस चाय वाय पीते हैं एंड उसके बाद से फिर निकलते हैं। Guys, we are continuing on NH75, so we have crossed Kolar. So, जब आप तिरुपति जाते हो, so तिरुपति पहुंचने के 50 किलोमीटर पहले ही अराउंड देर इज़ वन गणेशा टेम्पल। सो हम लोग आई विल टेल यू द एग्जैक्ट नेम ऑफ द टेम्पल, ओके। सो अभी हम लोग वहाँ जाएंगे फर्स्ट एंड देन विल गो टू तिरुपति। सो वहाँ का जो गणेशा टेम्पल है वहाँ का जो डिस्टेंस है डेट इज़ अराउंड 93 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर एंड गूगल इज सोइंग लाइक इट विल टेक 1 आवर एंड 18 मिनट्स। सो ये 1 आवर 18 मिनट्स का कंटिन्यूस ड्राइव हम लोग करेंगे एंड देन विल रीच दैट टेम्पल। सो फार अच्छा है वेदर, धूप निकल चुका है इधर
सो अभी सुबह के 8:50 हो रहे हैं. ओवरऑल इट्स गुड. सो गाइस सी द रोड्स यहाँ पे. सो अभी हम लोग द टेम्पल विच वी आर गोइंग डेट इज कानीपाकम टेम्पल. सो वहाँ पे बहुत बड़ा एक होर्डिंग भी लगा हुआ है. सो डेट इज़ लाइक यू नो 41 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर. सो एंड देन रोड्स इधर मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, लाइक यू नो येलो स्ट्रीपिंग है. सो थोड़े थोड़े नाक भी कान भी बंद हो रहे हैं, लाइक यू नो थोड़ा पहाड़ वहाड़ आ गए हैं. सो ड्राइव बहुत सुंदर है, अच्छा है इधर का. सो अभी लाइक यू नो यहाँ से और 40 मिनट्स और लगेंगे टेम्पल पहुँचने में. सो फार आई मीन नो आराम से 80 के स्पीड पे आप चलते रहो मस्त एकदम. ज़्यादा ट्रैफिक ज़्यादा रस भी नहीं है. यू कैन मेंटेन अ डिसेंट स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर्स पर आवर. सो दैट इज़ वॉट वी आर डूइंग. सो देर आर मेनी बाइकर्स ऑल्सो, मे बी दे आर ऑल्सो गोइंग टुवर्ड्स तिरुपति. सो हम लोग भी कंटिन्यू करते हैं. सो गाइज अभी जो है हमें यू टर्न लेके एंड देन कानीपाकम टेम्पल के लिए जाना है. सो हमने वो यू टर्न ले लिया. सो जो एनएच पे हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे, सो सेम एनएच पे आगे जाके यू टर्न लेना है बिकॉज स्ट्रेट रास्ता जो है वो चला जाता है तिरुपति. सो जब आप बैंगलोर से आते हो तो लाइक नो यू टू टेक अ लेफ्ट. सो यू टर्न लेके लाइक वी विल बी टेकिंग राइट एंड स्ट्रेट जाना है. सो दिस मेन हाईवे से ना ये टेम्पल 11 किलोमीटर्स अभी है. सो दैट मीन्स वी हैव टू कवर 11 किलोमीटर के बाद हम आपसे फिर मिलते हैं. सो गाइस टेम्पल का ये जो आप देख सकते हो आर्च, ये मेन एंट्रेंस है एंड यहाँ से 850 मीटर है टेम्पल. तो एंड ये आउटसाइड का आप देख सकते हो शॉप्स काफ़ी हैं, आपको मिल जाएंगे सब कुछ ब्रेकफास्ट के लिए टी कॉफ़ी के लिए. एंड यहाँ से 800 मीटर है, 4 मिनट दिखा रहा है गूगल हमें. तो वो आर्ट से ही अंदर आना है आपको. एंड यहाँ पे शायद कुछ टोकन वगैरह कुछ तो ले रहे हैं ना एंट्री के लिए, कुछ तो यहाँ पे आपको फी देना है. तो लेट्स सी हाउ मच दे विल चार्ज. 85 रुपीज फॉर एंट्रेंस यू हैव टू पे. एंड थैंक गॉड हमारे पास 500 का नोट था एंड चेंज मिल गया हमें. एंड बस यहाँ से 3 मिनट का डिस्टेंस है, सॉरी 650 मीटर है एंड 3 मिनट में हम पहुँच जाएंगे टेम्पल. सो बस चलते हैं. तो दिस इज़ अ टेम्पल एंड गाड़ी का देखते हैं कहाँ पे पार्किंग है. VIP एंट्रेंस गेट पार्किंग तो हमें दिखाई नहीं, अच्छा इधर. सो ये है टेम्पल की पार्किंग एंड स्ट्रेट आपको टेम्पल में आप एक्चुअली वो रूट जो हमें दिखा रहा था ना वो सही दिखा रहा था, हम डायरेक्ट पीछे से आ जाते है ना. हाँ बट ऑलमोस्ट हम पहुंच गए टेम्पल एंड हमें भी हमारा वेट कर रहा है सिम्स. तो चलते हैं व्हीकल को करते हैं पार्क एंड उसके बाद यहाँ पार्क करते हैं एंड उसके बाद फिर चलते हैं अंदर टेम्पल में. सो दिस इज़ द वे टू टेम्पल एंड यहाँ से हमें अंदर जाना है. और आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल है. तो चलते हैं अंदर. खूबसूरत टेम्पल है एंड बहुत अच्छी वाइब आ रही है गाइस. सो आई विल शो यू अंदर जाके एंड टेम्पल का जो व्यू है वो मैं आपको दिखाती हूँ. सो गाइस नॉर्मल टिकट के जो चार्जेस हैं वो 100 रुपीज़ हैं एंड VIP के जो चार्जेस हैं वो 150 रुपीज़ हैं. तो हम जा रहे हैं एंड फटाफट अपना टिकट पहले लेते हैं. गाइज़ अभी हम लोग टेम्पल के अंदर से जाके बाहर आ गए, बहुत अच्छे से हमने पूजा वूजा कर ली. एंड इस टेम्पल की ये ख़ास बात है कि आपको ना मतलब थोड़े अलग तरीके का था, मूर्ति एकदम ज़मीन से जुड़ा हुआ एंड बहुत ही सुंदर था. एंड फोन्स वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है वहाँ पे, तो सारी चीज़ें आप बाहर में फ़ोन सेल फोन वॉलेट जो भी आपको रखना है आप बाहर में बने हुए हैं प्लेसेस जहाँ पर आप अपना फ़ोन सब रख सकते हो.
एंड बहुत अच्छे से अंदर जाके हमारी सारी पूजा वूजा हो गई। तो ये प्लेस हमारा था वन फर्स्ट प्लेस टू विजिट। तो बस अब यहाँ से देखते हैं, हम थोड़े बहुत कुछ कुछ चीज़ें खरीदते हैं अगर कुछ, लेकिन फिर अपनी जर्नी हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड। एंड ओवरऑल अगर आपको कुछ भी ऐसे क्वेश्चंस हैं तो आप हमसे पूछ सकते हो, हम सारे कमेंट रीड करेंगे एंड उसका रिप्लाई करेंगे। तो ये जो टेम्पल का आउटसाइड एरिया है वो है, एंड अंदर बिल्कुल स्ट्रिक्टली फ़ोन एंड वॉलेट वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं है। वॉलेट आप लेके जा सकते हो बट सेलफोन कैमरा अलाउ नहीं है अंदर। तो हम बस इधर जा रहे हैं। बहुत अच्छा शिव भगवान की स्टैचू है, शिव जी गणेश, शिव भगवान गणपति, एंड उसके बाद फिर हम देखते हैं। तो यहाँ का जो प्रसाद है वो बहुत ही फेमस होता है, एंड दिस इज़ अ काउंटर। सो टेम्पल से जैसे आप बाहर निकलोगे तो फ्रंट में ही काउंटर है, एंड वहाँ पे आप जाके इजीली ले सकते हो। तो एंड ये इसका टाइमिंग ऐसा कुछ नहीं है, पूरे टाइम ये ओपन रहता है। तो हमने भी अपना प्रसाद ले लिया एंड फिर यहाँ से चलते हैं। सो गाइज फाइनली हम टेम्पल से निकल चुके हैं, एंड अभी हमें जाना है 69 किलोमीटर, एंड गूगल इज शोइंग कि हम एक घंटे में पहुंच जाएंगे। एंड यहाँ का जो टेम्परेचर है भयानक है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, धूप भी बहुत तेज है। तो बस हम एक घंटे और ट्रैवल करने वाले हैं, जल्दी से पहुंच जाते हैं हमारा स्टे में, एंड उसके बाद फिर आपसे हम मिलते हैं। सो गाइस करंट सिचुएशन अभी ये है, आप शक्ल से ही पता लगा सकते हो, इतनी तेज़ धूप है आंध्र प्रदेश में, इतनी गर्मी है ना, मतलब कार में बैठे हैं फ्रंट से जब धूप आ रहा है ना तो ऐसा लग रहा है पैर जल जाएगा। तो टेंपल से आके बहुत अच्छे से अंदर हमने जाके पूजा वूजा कर ली, अच्छे से सब कुछ हो गया, स्वीट भी हमने ले लिया, एंड यहाँ से फिर अपनी जर्नी हम स्टार्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स तिरुपति के लिए। एंड वो है 68 किलोमीटर। सो अकॉर्डिंग टू गूगल हम एक घंटे में पहुँच जाएंगे। तो सबसे पहले हम वहाँ पहुँचते हैं अपने स्टे में, एंड उसके बाद विल हैव लंच, एंड उसके बाद फिर देखते हैं क्या करने वाले हैं। सो बस आप स्टे ट्यून्ड रहो हमारे साथ एंड वीडियो को एंजॉय करो। अभी और 24 किलोमीटर और बचे हैं, 31 मिनट्स। सो एंड देन NH पे जो पहाड़ों का जो ये मस्त उसके पीछे जो रास्ता गया है, काफ़ी अच्छा व्यू है। और मतलब आप इस रास्ते से जब जाओ तो मतलब ना, जब ऐसे सीनिक रास्ते मिल जाते हैं तो और मतलब मज़ा आ जाता है ड्राइव करने का। सो ओवरऑल बहुत अच्छा खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही सुंदर। और बीच से रोड, और रोड भी काफ़ी अच्छे हैं, 6 लेन, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा पहाड़ पहले हमने नहीं देखा था, मतलब गजब खतरनाक टाइप से है, देख रहे हैं? हाँ, बहुत करीब है। करीब है, करेक्ट। तो यही है बस, हाफ एन आवर और हमें कंटिन्यू करना है तो फिर वहाँ। सो गाइस फाइनली हम पहुँच गए तिरुपति, एंड अभी वी आर ऑन टाइम, 2 बज रहे हैं एंड हम अच्छे से पहुँच गए। सो दिस इज आवर होम स्टे, एंड यहीं पे हम रुकने वाले हैं आज और कल। तो मैं एक छोटा सा रूम का टूर देती हूँ एंड ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कल। कल का हमारा क्या प्लान है, कहाँ कहाँ हम घूमने वाले हैं, वो सारी चीज़ें कल के ब्लॉग में आएगी। सो पहले होम टूर आपको मैं देती हूँ एंड फिर देखते हैं। सो सिंस के हम 3 लोग थे तो वी थॉट ऑफ कि एक होम स्टे ले लेते हैं, और अच्छा सा इस एरिया में था। सो दिस इज़ अ होम स्टे जो रेलवे स्टेशन के पास ही है। तो इसमें आपको दिस इज़ अ किचन का एरिया, एंड दिस इज़ 1 बेडरूम, एंड दिस इज़ अनदर बेडरूम। तो काफ़ी अच्छा होम स्टे है, काफ़ी अच्छा लगा, नीट एंड क्लीन है, पूरी घर वाली वाइब आ रही है, अच्छा है ओवरऑल। तो बस एंड दिस इज़ द हॉल, तो बस यही है, एंड काफ़ी अफोर्डेबल है। तो मैं प्राइस सब मेंशन कर दूंगी। सो अगर चैनल पे नए हो, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड कल के ब्लॉग में भी हम सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे, कैसे प्लान कर सकते हो अगर आपको यहाँ आना है तो तिरुपति। सो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, एंड फिर मिलते हैं कल के ब्लॉग में। कल हम कहाँ कहाँ घूमने वाले हैं, अगर आप आते हो यहाँ पे तो कैसे अपना डे प्लान कर सकते हो, वो सारी चीज़ें कल के ब्लॉग में आएंगी। सो डू फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। फिर मिलते हैं कल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।